हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉट वाला मैफ। तो आज मैं बताऊंगा हाउ टू गेट मैग्नेटो एंड ईसू यूनिफॉर्म। मैग्नेटो इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस गेम। और एक मैग्नेटो कैसे मिलेगा, पैसा देना नहीं पड़ेगा, क्रिस्टल सेव करेंगे, 6600 क्रिस्टल सेव करेंगे, आपको फ्री में मिलेगा। 6600 क्रिस्टल नॉट ईजी, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 महीना 4 महीना लगेगा, बट आप टाइम लाइन बैटल चेक इन इवेंट डेली टास्क डेली चैलेंज सेवरी करेंगे ना, आपको 6600 क्रिस्टल 3-4 महीने में कलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, पहले देखो मैग्नेटो इज मोस्ट यूजफुल कैरेक्टर इन दिस गेम। कुछ लोग रहते हैं, कुछ कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं कि स्किप करो, मैग्नेटो यूनिफॉर्म उतना अच्छा नहीं है या तो टीयर 4 उतना अच्छा नहीं है, बट ई इज़ द ओनली वन कैरेक्टर ये गेम में आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू देने वाला है। बहुत रेयरली रहता है, बहुत रेयर रहता है इस गेम में। कुछ कैरेक्टर टू वे कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल जीन ग्रे, कुछ कैरेक्टर है बहुत दिन के लिए नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल तौर इज़ रियली गुड फॉर डिस्पैच डायमेंशन मिशन, तो वर्ल्ड बॉस के लिए अच्छा है एंड GBR के लिए अच्छा है। बहुत साल से है, अभी तक तौर रियली अच्छा है। तो ऐसा कुछ कैरेक्टर है बहुत सालों के लिए आपको यूज़फुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जीन ग्रे, आप इसको PvP में यूज़ कर सकते हैं, PvE में यूज़ कर सकते हैं एंड टाइम लाइन बैटल में, दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं, वर्ल्ड बॉस, GBR, एवरीथिंग। तो ऐसा कैरेक्टर बहुत मुश्किल है। और इसका लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म एंड एग्जाम्पल दिया तौर इज ऑल्सो रियली गुड। तो कुछ कैरेक्टर तो ओके, आज मैं बताऊंगा हाउ टू गेट मिनो। फर्स्ट मैं स्मॉल डिटेल बताना चाहता हूँ अबाउट एपिक क्वेस्ट। इस गेम में एपिक क्वेस्ट करके है, एपिक क्वेस्ट के थ्रू आपको सम कैरेक्टर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी देखो, मैं फर्स्ट ए वाला एपिक क्वेस्ट अवेंजर्स का एपिक क्वेस्ट में से आपको मिलेगा, देखो इसमें से मॉलिक्यूल मैन मिलेगा एंड मूनस्टोन मिलेगा। सो कुछ कैरेक्टर के लिए आपको 6600 क्रिस्टल देना पड़ेगा। देखो इसमें 6600 क्रिस्टल लिखा है, जिससे आपको मूनस्टोन मिलेगा, उसके बाद मॉलिक्यूल मैन अनलॉक होगा एंड उसके बाद इटरनल में भी ऐसे ही है। इसमें तो अनलॉक कर लिया 4400, इसमें सबसे महंगा वाला इटरनल रहेगा, 8800 देना पड़ेगा। तो दिस एपिकोड रियली कॉस्टली बोलूँगा, सबसे कॉस्टली एपिकोड यही है। मैं सब कंप्लीट कर लिया ना, देखो आई थिंक गिलगमेश एंड उसके बाद गिलगमेश के बाद आई थिंक इस नेम इज़ इसका नाम मालूम नहीं है गाइस, इसको ए मिलेगा मकारी, ऑफिशियल मकारी। दोनों कैरेक्टर के लिए आपको 4800 टोटल 8800 क्रिस्टल देना पड़ेगा, तभी आपको लास्ट में एट द एंडिंग आपको टेना मिलेगा, टेना। ओके गाइस, उसके बाद गार्डन ऑफ द गैलेक्सी का वही बोलूँगा, उसका भी एपिक क्वेस्ट है, जिससे आपको मिलेगा ग्लैडिएटर। तो नोवा के लिए आपको 6600 देना पड़ेगा, देख लिए। तो दिस इज और एक एपिक क्वेस्ट हो गया एंड फैंटास्टिक फोर्स मोस्ट पॉपुलर डूम कैरेक्टर, तो डूम के लिए भी आपको 6600 क्रिस्टल देना पड़ेगा। कैसा, पहला आपको इनविजिबल वुमन परचेस करना पड़ेगा, फिर टीयर 2 करेंगे, फिर आपको डॉक्टर डूम मिलेगा। उसके बाद आपको रहेगा एक्स फोर्स का भी सेम ही है, स्ट्राइफ को आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले 6600 देना पड़ेगा साइलॉक के लिए। ओके समझ गए। उसके बाद आपको इट्स फॉर अ न्यू प्लेयर, आपको मालूम रहेगा तो ओके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक्समैन का मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है इसके। ओके गाइस, अभी देखो आपको इतना सारा एपिक क्वेस्ट है, इट्स जस्ट अ टिप्स फॉर न्यू प्लेयर। अभी आप न्यू में हैं, गेम में आ गए, आप सोच रहे हैं कि मैं 6600 क्रिस्टल जमा कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट एपिक क्वेस्ट कौन सा है गाइस? तो मेरे हिसाब से मोस्ट वैल्यूएबल लॉन्ग यूजेबल कैरेक्टर एपिक क्वेस्ट बोलूँगा तो एक्समैन। क्यों, रीज़न बताऊँगा मैं। जो एपिक क्वेस्ट बता रहा हूँ ना आपको, जो जिस कैरेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे ना, आपको लॉन्ग टर्म में यूज़फुल रहेगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 8 साल तक यूज़ होएगा गाइस। ऑब्वियसली थोड़ा यूनिफॉर्म में भी स्पेंड करना पड़ेगा, दैट अलग है, लेकिन अभी देखो इटरनल एपिक क्वेस्ट है ना, सभी कैरेक्टर फ्लॉप है। अभी जिसमें इसमें से जितना भी कैरेक्टर दिखा रहे हैं ना, सभी फ्लॉप है एंड डार्क एवेंजर सभी फ्लॉप है। सेंट्री PvP में अभी ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा। मूनस्टोन आउट ऑफ ग्रीन गोब्लिन है, लेकिन उसके लिए अलग से यूनिफॉर्म। उसके बाद इसमें भी कोई भी मेटा नहीं है, कोई भी बेटरेबल स्टारलॉर्ड साइलावेल कोई भी मेटा नहीं है ग्लैडिएटर नोवा को। ओके, फैंटास्टिक फोर्स भी कोई भी डूम है, लेकिन वो भी उतना मेटा नहीं बोलूँगा, PvP में यूज होता है कभी कभी, तो स्किप बोलूँगा। डेडपूल में भी कोई भी मेटा नहीं है एक्सेप्ट केबल, ओनली केबल एंड स्ट्राइक दोनों हैं, लेकिन केबल का यूनिफॉर्म आप ऑब्वियसली सभी लोग ले सकते हैं, केबल का यूनिफॉर्म उसे छोड़ दो। स्ट्राइफ इज रिलीज अगर टीयर 4 नहीं है, इसका लेटेस्ट यूनिफॉर्म मिला बट ओनली फॉर PvP ओरिएंटेड, नॉट सो ग्रेट। डेडपूल मेटा नहीं है, कोलोसस तो सपोर्ट है ठीक है, लेकिन सबसे वैल्यूएबल क्यों बता रहा हूँ एक्समैन, इसमें ना सभी कैरेक्टर यूजफुल है, सभी कैरेक्टर।
फॉर एग्जाम्पल जीन ग्रे ले लो, जीन ग्रे इज गॉडली, जीन ग्रे इज फॉर मेटा फॉर वर्ल्ड बॉस के लिए, GBR के लिए बोलते जा सकते हैं, ABX, ABL, PvP, टैदर बैटल इवेंट, अलायंस कॉन्क्वेस्ट एंड फार्मिंग के लिए एवरीथिंग शी इज रियली गॉडली फॉर। ओके PvP के लिए हो गया, साइक्लॉप्स आप उसके लिए लीडरशिप यूज कर सकते हैं। ओके एंड रोग का लेटेस्ट अभी यूनिफॉर्म आया, आई थिंक ये थोड़ा गलती हुआ, लेकिन रोग अभी प्रीमियम कैरेक्टर हो गया, 30 टोकन देना पड़ेगा तभी रोग मिलेगा, लेकिन शी इज ऑल्सो मेटा फॉर ABX के लिए ऑसम एंड वर्ल्ड बॉस के लिए गाइस। एंड उसके बाद बोलूंगा वॉल्वरिन ओ माय गॉड, गॉडली फॉर PvP, अदर बैटल इवन PvP, टैमलन बैटल के लिए, अदर एलन कॉस्कर के लिए, तो ऑसम कैरेक्टर है। तो उसके बाद आएगा मैग्नेटो, ऑब्वियसली ब्लास्ट सुपर विलन में मैग्नेटो आने के लिए कोई नहीं है। ये यूनिफॉर्म आके एक साल हो गया, लेटेस्ट वाला आपके भी, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, दिस यूनिफॉर्म आके एक साल हो गया, अभी तक मिटा है, और भी मिटा रहेगा, अभी नहीं बहुत सालों में मिटा रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ, बिकॉज इसको रिप्लेस करने के लिए कोई अभी तक आया नहीं। उसके बाद स्टॉम ऑल्सो मिटा फॉर सपोर्ट फॉर एलन, आई थिंक ABX ABL के लिए सपोर्ट है, लेकिन शी इज ऑल्सो प्रीमियम यूनिफॉर्म हो गई। तो इस एपिक्वेस्ट में, आई मीन ओनली एक्समैन एपिक्वेस्ट में आपको बहुत वैल्यू फॉर मनी रहेगा, 600 क्रिस्टल स्पेंड करने। तो एक तो मैग्नेटो मिल रहा है ऑफिसली, एंड वॉल्वरिन भी आप टियर 3 करेंगे तो ऑफिसली PvP में यूजफुल रहेगा, उसका लेटेस्ट यूनिफॉर्म लेंगे तो, एंड जीन ग्रे ऑल्सो यूनिफॉर्म ले लो, ऑसम कैरेक्टर है, तो एक की 6600 बहुत यूजफुल वैल्यूएबल एपिक कॉस्ट बोलूँगा तो एक्समैन है। उसके बाद मे बी गारंटी नहीं है, मे बी अभी इन फ्यूचर इन लोग का जितना भी एक्समैन का, आई मीन नॉट एक्समैन, फैंटास्टिक फोर का टीयर 4 मिलेगा तो ठीक है, अभी मेटा हो सकता है, अभी कौन सा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। इटर्नल का कोई अच्छा कैरेक्टर को रिवर्क मिल सकता है, इतना सभी एक्सपेक्ट को रिवर्क चाहिए कैरेक्टर को, तभी आपको मैं इसको रिकमेंड करूँगा। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आपको मैं बोलूँगा तो डेडपूल का यूनिफॉर्म आया था, नॉट डेडपूल, स्ट्राइप का, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था केबल को छोड़ के, इसमें से एक ही मेटा है केबल, बाकी सब उतना अच्छा मेटा नहीं है। कोलोसस था, कोलोसस लेकिन अभी के टाइम पे बहुत क्या बोलूँ, आई थिंक इस बिकम थोड़ा मेटा से कम हो गया, मे बी इन फ्यूचर देखना पड़ेगा, अच्छा थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए था, मे बी देखना पड़ेगा गाइस। तो ओके उतना अच्छा एपिकोस नहीं बोलूँगा, सिंपल। तो एक ही एपिकोस एक्समैन, सभी फ्री टू प्लेयर, न्यू प्लेयर, आप ज़्यादा 600 क्रिस्टल जो भी जमा कर रहे हैं ना, मेरा तो फर्स्ट एपिकोस यही बोलूँगा, सॉरी गाइस मेरा ये नहीं था, मैं पहला ये परचेस किया, बिकॉज ये 4800 क्रिस्टल कम पैसा में ना, तो ये पहला परचेस किया, फिर सेकंड वन में एक्समैन परचेस किया, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। ओके गाइस अभी मैं आपको शो करूँगा मैग्नेटो के यूनिफॉर्म के बारे में, मैग्नेटो यूनिफॉर्म परचेस करूँगा। देखो इसके लिए भी आपको फुल कॉस्ट क्रिस्टल देना पड़ेगा, कॉस्टली है एपिक कॉस्ट, और जितना भी कैरेक्टर में इन्वेस्ट करना है कॉस्टली है, लेकिन यूजफुल है, वैल्यूएबल है गाइस। नो में तो ये यूनिफॉर्म लिमिटेड टाइम के लिए है, ओनली 10 दिन रहेगा, जब मैं परचेस किया ना 12 दिन था, लेकिन अभी 10 तारीख, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तारीख तक रहेगा, 10 तारीख के अंदर तो मैं परचेस कर लिया गाइस। ऑसम यूनिफॉर्म, मैं सभी को रेकमेंड करूँगा, इसका अपकमिंग वीडियो आएगा, मैं स्लो, देखो कोई भी कंटेंट ना सोच समझ के करना पड़ेगा, कोई भी इन्वेस्ट करेंगे ना सोच समझ के करना पड़ेगा। तो मैं तो यूनिफॉर्म लिया, लास्ट ईयर मेरे पास एपिकोस नहीं था, मैग्नेटो नहीं था, तो इसके लिए तो अभी इसको यूनिफॉर्म को जितना हो सके उतना लेवलअप करूँगा, मेगा रैंक अप टिकट यूज़ नहीं करूँ, बिकॉज बायोस इजीली फार्म कर सकते हैं डेली। ओके गाइस ऑसम कैरेक्टर है, आपको समझ गए, एंड यूनिफॉर्म एक साल में एक ही बार आएगा, दूसरा कोई भी ओल्ड यूनिफॉर्म परचेस मत करो, डोंट परचेस, एंड दिस इज़ द राइट मोमेंट। लेकिन और एक चीज़ बता देता हूँ, आपके पास एपिकोस परचेस नहीं किए रहेंगे, आपके पास जिनग्रे नहीं है, मैग्नेटो नहीं, तो डोंट परचेस दिस यूनिफॉर्म। कुछ लोग यूनिफॉर्म ले लेंगे, लेकिन आपके पास जब कैरेक्टर नहीं रहेगा तो परचेस करके क्या करेंगे गाइस, डोंट वेस्ट योर क्रिस्टल। तो समझ गए, एंड और एक चीज़ बताता हूँ, इज अभी भी नहीं कभी भी बताऊँगा, दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर लाइक ब्लास्ट सुपर विलन को रिप्लेस करने, मैग्नेटो रिप्लेस करने के लिए अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। ओके नॉट कैप्टन अमेरिका छोड़ दो, ये तो कॉम्बैक्ट हो गया, लास्ट यूनिफॉर्म, आई मीन इसका पहला पुराना यूनिफॉर्म था ब्लास्ट सुपर विलन, लेकिन अभी का टाइम पे कोई नहीं आएगा। मफिस्टो रहने तो PvP भी जाएगा, इसका यूनिफॉर्म भी नेटिव T3 है, इसका यूनिफॉर्म आएगा भी तो मैक्स टू मैक्स PvP में जाएगा, बिकॉज मरने के बाद वापस जिंदा होगा। नॉर्मली ऐसा बफ रहता है ना, एक बार मर के वापस जिंदा होने कैरेक्टर, 1 HP नल और क्या बोलूँ मफिस्टो, कुछ कैरेक्टर है मरने के बाद जब वापस जिंदा होने का कैरेक्टर सब PvP में जाएगा। एबनीबो कन्फ्यूजन है, साइक्लॉप्स मे बी और मे बी नॉट, इसको हीरो बना दिए अभी, इसका लेटेस्ट ओल्ड यूनिफॉर्म था लेटेस्ट, ज़्यादातर ओल्ड विलन सुपर हीरो सुपर विलन होते रहता है आगे पीछे, मिस्टीरियो नहीं होगा, इसका यूनिफॉर्म आया था समर डे, लेकिन T4 नहीं है, नॉर्मल है, तो T4 भी उतना मैग्नेटो को टक्कर देने का गाइस। मैग्नेटो इज बाय फॉर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ओके बेटर देन मिस्टीरियो, मिस्टीरियो का भी समर डे यूनिफॉर्म मैं तो नहीं लिया, फिर भी काम चला रहा हूँ।
उसके बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं, मॉडोक नहीं है गाइस, एंड कोई भी कैरेक्टर नहीं आएगा। तो 100% बेस्ट इन्वेस्ट बोलूँगा। हाँ थोड़ा क्रिस्टल इन्वॉल्व है, बहुत क्रिस्टल सेव करना पड़ेगा, बट स्टिल गाइस वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस गेम। मैग्नेटो में इन्वेस्ट करो, परचेस करो, पहले तो एपिकोस परचेस करो। मैं बता दिया कैसा परचेस किया, पैसा खर्च किस में इन्वेस्ट करने का, कौन सा बेस्ट एपिकोस भी बता दिया इस वीडियो में, तो इन डेप्थ एक्सप्लेन कर लिया। तो आज के वीडियो में कैसे आप समझ गए कैसा मिलेगा, एंड दिस यूनिफॉर्म लिमिटेड सेल अगेन एम टेलिंग। अभी आपने वीडियो अपलोड किया, आप एक महीना बाद में दो महीने बाद में देखेंगे तो यूनिफॉर्म सेल में नहीं रहेगा, ओनली दिसंबर का एंडिंग में आएगा। अब ये बार छूट गया तो अगला साल आएगा। ओके गाइस समझ गए। तो आज के वीडियो में मेरे वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।